नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम में और मैं हूं पलक गुप्ता। हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस, कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे 3 सवाल। गौरव गोगोई बोले, मणिपुर पर पीएम का मौन व्रत तोड़ने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, घमंडिया गठबंधन अपनी एकता को टेस्ट करने के लिए लाया है अविश्वास प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, चीन से पैसा लेने के मामले में राहुल गांधी सदन में दे बयान। केजरीवाल कैबिनेट में बदलाव, आतिशी संभालेंगी सेवा एवं सतर्कता विभाग का कार्यभार। तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा के मौजूदा सत्र से निलंबित। झारखंड में भाजपा नेता ने युवक को थूक चटवाई, लात से पीटा, वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के रीवा में दो बहनों से सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो वायरल होने के बाद 5 गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारिका में काले जादू के संदेह में पड़ोसी को मारा चाकू, 1 की मौत, 1 घायल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तेज रफ्तार कार हुई अनियंत्रित, 3 की मौत। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। शेखावत ने गहलोत से कहा, आपको कैसा पीएम चाहिए, चीन को जमीन देने वाला या पाक के सामने झुकने वाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, तय समय से अधिक वक्त तक खुलने वाले बार एवं नाइट क्लबों पर सख्ती से होगी कार्रवाई। मोनू मानेसर के साथ तस्वीर वायरल होने पर आरपीएस अधिकारी को डाला वेटिंग लिस्ट में। राजस्थान में बरसात का दौर थमा, अब ठंडी हवाओं से राहत। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। गैल गैडॉट हुई आलिया की कद्रदान, हार्ट ऑफ स्टोन में खलनायिका के रूप में नजर आएंगी। द फ्रीलांसर का ट्रीजर जारी, सच्ची कहानी पर है वेब सीरीज। एक और एक्शन फिल्म की तैयारी में सलमान खान, मिलाया करण जौहर से हाथ। अक्षय ने सदगुरु के लिए रखी ओएमजी 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग, सदगुरु ने शेयर किया एक्सपीरियंस। अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। नासिर हुसैन ने इंग्लैंड महिला टीम से ऑस्ट्रेलिया का पीछा करने के लिए आगे बढ़ने का आग्रह किया। खेल मंत्रालय विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 28 भारतीय एथलीटों को फंड देगा। पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर ने कहा, भारत को तीसरे T20 मैच में ईशान किशन को ब्रेक देना चाहिए। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की खास खबरें। पेपर फ्राई के सीईओ अमरीश मूर्ति का निधन, लेह में आया कार्डियक अरेस्ट। 8 सत्रों के दौरान एफआईआई द्वारा 10,437 करोड़ रुपए की बिकवाली। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। सिंगापुर में यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय मूल के शख्स को 18 साल हिरासत, 12 कोड़े की सजा। पाक ने बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर डाली। इमरान बोले, पुलिस ने बिना वारंट गिरफ्तार किया, बुशरा के कमरे में घुसने की कोशिश की। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।